अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? कैसा गुजर रहा रमज़ान? आई होप एवरीथिंग इज़ वेल। आज की जो वीडियो है, दिस इज़ वन ऑफ द रिक्वेस्टेड वीडियो। दिस इज़ अबाउट आई मेकअप फॉर टीनेजर्स। इसमें आपको थ्री लुक्स देखने को मिलेंगी। आई मीन तीनों ऑलमोस्ट सेम ही है, बट डिफरेंस ये है कि मैंने मेकअप इस तरह से किया है कि आप डेली रूटीन में भी कर सकते हैं, किसी स्मॉल इवेंट पे भी कर सकते हैं, और किसी वेडिंग पार्टी या ईद पर भी कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द मोस्ट सिंपल लुक फर्स्ट। जो लुक मैं क्रिएट करने लगी हूँ, ये सूटेबल रहेगी 14 टू 18 ईयर्स की गर्ल्स के लिए। तो आईब्रोज मैंने नहीं बनाई, क्योंकि मैं नहीं समझती कि इस एज में आईब्रोज को बहुत हैवी करने की ज़रूरत है। कोई भी आईब्रो जेल या कोई पेंसिल लगाना, बस आप उनको थोड़ा सा डार्क करें अगर लाइट हैं तो, कोई भी मस्कारा लेकर और हल्का सा वो लगा दें। तो आई इसको बेस देने के लिए मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मोस्टली लोगों की आई लिड्स डार्क होती हैं तो उनके ऊपर मेकअप फिर नज़र नहीं आता, तो ये ज़रूरी है स्टेप। कोई भी कंसीलर ले लें आप, मैंने एले गर्ल का कंसीलर लिया है। और अगर आप कंसीलर नहीं भी ले रहे तो आप फाउंडेशन या बीबी क्रीम, उसको भी आईज़ के ऊपर लगा सकते हैं। सो आई एम यूजिंग मस्कारा बाय मेबेलिन। यू कैन यूज़ एनी मस्कारा दैट यू हैव और उसे ऐसे लगाते जाएं, एक नेचुरल से लुक मिलेगी। बस आपकी आईब्रोज थोड़ी सी डार्क लगेंगी, और अगर ऑलरेडी डार्क हैं तो मैं नहीं समझती कि उन पे कुछ और लगाने की ज़रूरत है। टीनेजर्स की स्किन बहुत डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव टाइप की होती है, सो कोशिश करें कि लेस मेकअप करें। आई अंडरस्टैंड कि हर लड़की को मेकअप का कितना शौक होता है, बट स्टिल अवॉइड अप्लाइंग सो मच मेकअप ऑन योर फेस। आई मीन इफ़ यू वॉन्ट योर स्किन टू रिमेन फ्रेश फॉर अ लॉन्ग टाइम। उसके बाद एक क्लीन स्पूली लें, जो कि देखने में ऐसी होती है, और उसको अपने आईब्रोज पर फेरें ताकि जो आपका मस्कारा लगा हुआ है वो स्प्रेड हो जाए। फिर आपने कोई भी डल सा गोल्ड शेड लेना है, जो कि ऑलमोस्ट हर ड्रेस के साथ ही सूट करता है। वो आप कोई भी आई शेडो पैलेट या कोई भी आई शेड ले सकते हैं। मैं ले रही हूँ जस्ट फेसेट का, अल्टा का ये पैलेट है, इसमें डल गोल्ड शेड ले रही हूँ। कोई भी आपके पास शेड अवेलेबल है डल गोल्ड सा, तो आप उसको लगाएं। ये शिमर शेड है तो मैं इसको अपनी फिंगर से लगाऊंगी, क्योंकि फिंगर से ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको आपने अपनी पूरी आईलिड के ऊपर लगाना है। अगर आप ब्रश भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फिर आपने एक ब्लैक पेंसिल लेनी है, जो कि जेट ब्लैक हो, कोई भी ब्रांड हो सकता है। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली फ्रॉम वेयर आई परचेज दैट, बट इतना याद है कि कोई लोकल शॉप ही थी। और इसे आपने अपनी लैश लाइन के ऊपर लगाना है, जैसे हम एक लाइनर लगाते हैं। मेरे एक हाथ में मिरर होता है और एक हाथ से मैं मेकअप कर रही होती हूँ, इसलिए मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था पेंसिल को इस तरह से लगाना, क्योंकि अगर मेरे हाथ में मिरर ना होता तो मैं फिर एक हाथ से इसको टाइट करती आई को और दूसरे हाथ से इसको लगाती। सेम इसी तरह बॉटम लैश लाइन के ऊपर भी लगाना है, लेकिन फुल नहीं लगाना, हाफ लगाना। दिस वे योर आईज विल लुक बिगर एज वेल, आई मीन इफ यू हैव स्मॉल आईज। मेरी नहीं है, बट मैं आपको यू नो सिखा रही हूँ। फिर आपने एक ब्रश लेना है, छोटा सा बारीक सा ब्लेंडिंग ब्रश, और उससे इसको स्मच करना है, यानी एक स्मोकी इफेक्ट देना है। बहुत ज्यादा भी इसको नहीं फैलाना, आपके लैश लाइन के करीब ही रहे। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा फैल गया, जैसे कि मुझे लग रहा है, तो फिर आपने सेम वही शेड लेना है और उसको ब्रश की हेल्प से लगाना है इस तरह से। यहाँ पर मुझे लगा कि मेरा जो आई शेड है वो खाली आईलिड्स के ऊपर ही, अगर थोड़ा सा ऊपर हो जाए तो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं इसको और लगा रही हूँ। देन फाइनल स्टेप, कोई भी मस्कारा ले लें। आई एम यूजिंग एसेंस वन। आई डोंट थिंक कि टीनेजर्स को आईलैशेस लगानी चाहिए, इसलिए थोड़ा सा हैवी मस्कारा लगा लें, वो भी इनफ होगा। ऐसा मस्कारा लगाएं जो आपके आईलैशेस को इनफ वॉल्यूम दे दें। ये एसेंस के जितने भी मस्कारे हैं दे आर बेस्ट, बट मेरी लैशेज जो है ना वो डेड स्ट्रेट हैं, वो इतनी आराम से फोल्ड नहीं होती। मैं जितना भी मस्कारा लगा लूँ ये स्ट्रेट की स्ट्रेट ही रहती हैं, तो मेरे लिए आईलैशेस लगाना ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरह से ये एक लुक कंप्लीट हो जाएगी। अगर आप किसी घर दावत पे जा रहे हैं या कोई भी स्मॉल पार्टी या कोई भी स्मॉल फंक्शन है, उसमें आप ये कर सकते हैं ऐसा मेकअप। देन अगर कोई वेडिंग पार्टी इवेंट है या कोई ईद का मौका है और आप चाह रहे हैं कि थोड़ी सी आईज तो हैवी लगे, तो फिर आप ग्लिटर्स यूज कर लें। आई एम यूजिंग हैंग फैंग ग्लिटर्स एंड द नंबर इज 5। ये मैंने अली एक्सप्रेस से लिए थे, इस पर मेरी फुल वीडियो बनी हुई, आप देख लें। तो आपने इसी मेकअप के ऊपर लगाते जाना है आईलिड के ऊपर, तो एकदम से स्पार्कली आईज लगेंगी, बड़े मजे की लुक आएगी।
तो फिर आपकी आईज कुछ इस तरह से नजर आएंगी। और फिर इसके बाद अगर आप मेरी तरह एक्स्ट्रा हैं और आप चाह रहे हैं कि नहीं फॉल्सेस तो ज़रूर लगानी है, उसके बगैर लुक इनकम्प्लीट है, तो ठीक है आप आईलैशेस लगा लें। और ये उन टीनएजर्स के लिए जो कि अबव 16 हैं, ट्राई करें कि फॉल्सेस जो आप लगा रहे हैं वो हैवी ना हो, डेंस ना हो, जैसे मेरी हैं लाइट सी, इस तरह की लाइट सी यूज़ करें। लैश ग्लू जो मैंने यूज़ की है वो डुओ लैश ग्लू है, DUO डुओ लैश ग्लू, एंड देन देयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आपको ये मेकअप पसंद आया होगा, स्पेशली टीनएजर्स को आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। मेरे ख्याल से इतना मेकअप इनफ है टीनएजर्स के लिए, इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप डल गोल्ड आई शेड की जगह कोई और आई शेड यूज़ करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर ड्रेस कलर, तो आप इसी तरह मेकअप करें सेम, लेकिन शेड अपना चेंज कर लें। दिस आई मेकअप बीबी क्रीम ब्लश ऑन एंड ग्लॉस और सम लाइट कलर लिपस्टिक एंड देन यू आर गुड टू गो। प्लीज़ वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर करना है, कमेंट ज़रूर करना है और शेयर भी करना है। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।